हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सर्जी कोचिंग्स। ऑपरेशंस रिसर्च हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और लास्ट ट्रांसपोर्टेशन मॉडल चैप्टर चल रहा था। क्लास 5 क्लासेस हम पहले पढ़ चुके हैं, आज 6th क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्पेशल केसेस में से अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जब टोटल सप्लाई नॉट इक्वल टोटल डिमांड था। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वेरिएंट, नेक्स्ट स्पेशल केस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का। तो आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, थर्ड स्पेशल केस है ये हमारे पास मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं कि एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमें गिवन है। इस साइड पे हमारे पास सोर्स है, सपोज फैक्ट्री है F1, F2, F3, और इस साइड पे हमारे पास स्टोर है S1, S2, S3 एंड S4। सो इधर है हमारे पास स्टोर्स, डेस्टिनेशन का एग्जांपल। अब हम मान लेते हैं कि जैसे इनिशियली क्या कर रहे थे, अभी तक जितने क्वेश्चंस पढ़े कि टेबल के अंदर हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन थी, लेकिन इस क्वेश्चन में मान लेता हूँ कि हमें कॉस्ट की जगह, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की जगह क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है टेबल के अंदर। ठीक है, तो प्रॉफिट इन रुपीज़, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ फैक्ट्री वन से स्टोर वन पे एक पीस या एक प्रोडक्ट पहुँचाने से हमें 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे ही फैक्ट्री वन से स्टोर टू पे पहुँचाने में 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। तो ये मान लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट टेबल गिवन है। अब प्रॉफिट है तो क्वेश्चन क्या आएगा कि हाउ वी सप्लाई फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन सो दैट टोटल प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। तो इस केस में सप्लाई भी कुछ भी लिख लेते हैं अभी के लिए, अभी बैलेंस लिख लेते हैं 40, 30 एंड 20। तो टोटल सप्लाई मेरी कितनी आ गई, 40 + 30 = 70, 90। इधर भी इक्वली लिख रहा हूँ अभी के लिए, मान लेते हैं कि बैलेंस्ड प्रॉब्लम था, 20 + 25 = 45 + 35 + 10, तो 90 90 इक्वल टोटल सप्लाई टोटल डिमांड। इस केस को बैलेंस्ड लेके चल रहा हूँ, सिर्फ ये समझते हैं अभी कि अगर ये प्रॉफिट दे रखा है तो हमारा कैसा प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम है। अब मैक्सिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम को हम कैसे मिनिमाइज में चेंज करेंगे, हमने सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है इस प्रॉफिट में से, सबसे बड़ा प्रॉफिट, सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे है, तो हमारा ये सबसे बड़ा वैल्यू है 10। तो हम इस मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे, जो भी टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू है वो माइनस एंटायर मैट्रिक्स। तो 10 - 5 5 आ गया, 10 - 8 2 आ गया, 10 - 7 3 आ गया, 10 - 4 6, 10 - 9 1, 10 - 6 4, 10 - 8 2, 10 - 4 6, 10 - 7 3, 10 - 3 7, 10 - 10 0, 10 - 6 4। तो ये जो टेबल आया हमारे पास, इसका नेम होगा ऑपरचुनिटी लॉस मैट्रिक्स। और ये कैसी प्रॉब्लम बन गई हमारे पास, मिनिमाइजेशन टाइप। तो एक तरह से हम इस टेबल में क्या निकाल रहे हैं कि जो मैक्सिमम वाला प्रॉफिट है उसके कंपैरिजन में यहाँ कितने का लॉस हो रहा है, 0 का, यहाँ कितने का लॉस हो रहा है, 5 का, क्योंकि यहाँ पे कितना था प्रॉफिट, 5, तो इसके कंपैरिजन में कितना कम है, 5 कम है। तो ये क्या हो गया, इसका नेम अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स। सप्लाई डिमांड सेम लिख लेंगे, आगे क्वेश्चन सेम रहेगा। तो ये था हमारा मैक्सिमम टू मिनिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज़। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन उठा लेते हैं ताकि एक कंसेप्ट एक बार अच्छे से क्लियर कर सके। तो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं,
थोड़ा सा थोरेटिकली रीड करता हूँ, साथ साथ कोशिश करना समझने की। टेबल बना लेंगे। अ कंपनी हैज़ थ्री फैक्ट्रीज। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक कंपनी है, उसके पास थ्री फैक्ट्रीज हैं। अ कंपनी हैज़ थ्री फैक्ट्रीज। तो एक कंपनी में तीन फैक्ट्रीज हैं। मैन्युफैक्चरिंग द सेम प्रोडक्ट, तीनों सेम प्रोडक्ट बना रही है। एंड फाइव सेल एजेंसीज, और पांच सेल एजेंसीज हैं जो वो प्रोडक्ट को सेल करेंगी। अ कंपनी हैज़ थ्री फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग द सेम प्रोडक्ट एंड फाइव सेल एजेंसीज इन फाइव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। प्रोडक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट वेरीज फ्रॉम फैक्ट्री टू फैक्ट्री। तो हर फैक्ट्री में अलग रेट पे प्रोडक्ट बन रहा है इसका मतलब। एंड सेल प्राइस वेरीज फ्रॉम एजेंसी टू एजेंसी। इसका मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट हर फैक्ट्री के लिए अलग है और सेल प्राइजेस हर एजेंसी के लिए अलग है, मतलब हर एजेंसी अलग अलग रेट पे बेच रही है सेम पीस सेम प्रोडक्ट। और शिपिंग कॉस्ट हमें गिवन है इन टेबल। तो हमने इस शिपिंग कॉस्ट गिवन है, तो हमने इस तरह से प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल बनाने हैं कि जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए। तो हमने करना क्या है, फाइंड ऑप्टिमल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल सो दैट टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो हमने इस तरह से प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं, प्रोडक्शन शेड्यूल और डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल बनाने कि जो टोटल प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए। तो ये कैसा प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइजेशन। द फॉलोइंग टू टेबल्स आर गिवन, ये दो टेबल गिवन है, ये बना लेना। इस साइड है हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट इन रुपीस, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखा है, इस साइड पे फैक्ट्री आई लिखते हैं, वन टू एंड थ्री, तीन फैक्ट्रीज हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट पहली में 18, दूसरी में 20, तीसरी में 16। और मैक्सिमम कैपेसिटी, फैक्ट्री की कैपेसिटी कितने प्रोडक्ट बनाने की है, नंबर ऑफ यूनिट्स 140, 190 एंड 115। तो ये हमें एक टेबल ये गिवन है, एक टेबल और गिवन है, ये हमें इधर फैक्ट्री लिखा हुआ है, फैक्ट्री आई 1, 2 एंड 3। यहाँ पे लिखा हुआ है एजेंसी जे 1, 2, 3, 4, 5, 2, 10, 5, 2, 8, 6, 6, 9, 4, 10, 4, 3, 5, 7, 8। और ये क्या है हमारी शिपिंग कॉस्ट। उसके बाद यहाँ पे डिमांड लिखी हुई है कि हर एजेंसी पे कितने की डिमांड है, 74, 94, 69, 39, 119। और इधर है हमारा सेल प्राइस 35 इन रुपीज़, 37, 36, 39, 34। तो ये फ्रेंड्स मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है, इसे एक बार दोबारा से रीड करते हैं, देखते हैं क्या डाटा हमें गिवन है, क्या करना है। एक कंपनी है, उसकी तीन फैक्ट्रीज हैं 1, 2 एंड 3, और हम फाइव सेल एजेंसीज हैं 1, 2, 3, 4, 5। प्रोडक्शन कॉस्ट वेरीज फ्रॉम फैक्ट्री टू फैक्ट्री। तो हमें टेबल में गिवन है, पहली फैक्ट्री में वही पीस 18 रुपए में बन रहा है, दूसरी में 20 में, तीसरी फैक्ट्री में 16 रुपए में। एंड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ईच फैक्ट्री इज आल्सो गिवन।
अब ये कैपेसिटी एक दिन की भी हो सकती है, एक हफ्ते की हो सकती है, एक महीने की भी हो सकती है, तो उससे हमें मैटर नहीं है। बस पहली फैक्ट्री की कैपेसिटी 140 प्रोडक्ट पीसीस बनाने की है, दूसरे की 190 और तीसरे की 115। एक टेबल हमें ये भी गिवन है, इसमें क्या दे रखा है कि फैक्ट्री दे रखी है 1, 2, 3 और ये क्या दे रखा है ऊपर वाली 3 रोज में शिपिंग कॉस्ट एजेंसी 1, 2, 3, 4 जो चीज़ ऊपर लिखी होती थी की बार बीच में लिखा है, कोई डिफरेंट नहीं है उसमें, कुछ समझने का नहीं है। अब हर एजेंसी के लिए डिमांड दे रखी है 74, 94, 69, 39 और सेल प्राइस दे रखा है, हर एजेंसी अलग अलग रेट पे बेच रही है सेम चीज़। और हमें करना क्या है, फाइंड ऑप्टिमल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल सो दैट टोटल प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम। तो टोटल प्रॉफिट कैसे मैक्सिमम हो जाए, हमने वो शेड्यूल बताना है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, ये ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होता था फ्रेंड्स, मेक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। तो स्टेप 1 मेक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। अब ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बनाना है हमें, टेबल बना रहा हूँ एक। तो सोर्स हमारे पास कितने हैं, मतलब कितनी फैक्ट्रीज हैं हमारे पास, 3, 1, 2, 3। तो मैं कितनी रोज़ बना रहा हूँ यहाँ पे, 3 रोज़ फैक्ट्री 1, 2 एंड 3। और कितने स्टोर सेल एजेंसीज हैं, 5। तो 5 कॉलम्स बना रहा हूँ, ऊपर आ जाएगा एजेंसी 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर हमें क्वेश्चन में करना क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन शेड्यूल बनाना है कि मोस्ट प्रॉफिटेबल। तो प्रॉफिट देखना है हमें कितना होगा, और जो कैपेसिटी दे रखी है वो हमारी एक तरह से अवेलेबिलिटी है या सप्लाई है। तो पहली फैक्ट्री के लिए कितनी कैपेसिटी है, 140, तो एक तरह से वो सप्लाई आ गई हमारी यहाँ पे 190। तीसरी फैक्ट्री में 115 एजेंसी की डिमांड दे रखी है, वो यहाँ पे आ जाएगा। पहली एजेंसी की डिमांड है 74, दूसरी की 94, फिर तीसरे की 69, थर्ड की 39 और 119। अब इस टेबल के अंदर मैं क्या लिखना है, प्रॉफिट लिखूँगा। तो छोटी क्लास में हम पढ़ते ही हैं प्रॉफिट क्या होता है हमारा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा, जैसे प्रॉफिट लिख रहा हूँ, प्रॉफिट क्या हम निकाल रहे हैं, प्रॉफिट, तो वो क्या आ जाएगा, सेल प्राइस माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट, उसको बनाने में जो खर्चा आया, माइनस शिपिंग कॉस्ट क्योंकि पहुंचाने में भी कॉस्ट आ रही है। अब पहले देखते हैं कि फर्स्ट एजेंसी कितने, जैसे प्रॉफिट लिख रहा हूँ, सेल प्राइस माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस शिपिंग कॉस्ट। तो पहली सेल एजेंसी कितने में बेच रही है, 35 में। तो 35, अब पहली फैक्ट्री, इस सेल का मतलब क्या है कि पहली फैक्ट्री ने प्रोडक्ट बनाया, शिपिंग करके पहली सेल एजेंसी पे गया और उसने बेचा। पहली सेल एजेंसी कितने में सेल कर रही है प्रोडक्ट, एक पीस 35 में। पहली फैक्ट्री कितने में बना रही थी, 18 में। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ गया, 18। तो माइनस 18 और शिपिंग का क्या कॉस्ट है यहाँ से, फर्स्ट फैक्ट्री से फर्स्ट एजेंसी, 2 रुपीज़। तो माइनस 2, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 35 माइनस 20 15। तो ये आ गया मेरा प्रॉफिट। तो ऐसे ही हम सभी के लिए वैल्यूज निकालेंगे। पहली सेल एजेंसी कितने में बेच रही है, 35 में, तो यहाँ सभी जगह 35 आ गया। दूसरी एजेंसी कितने में बेच रही है, 37, तो 37 37 37। तीसरी सेल एजेंसी 36 में बेच रही है। चौथी एजेंसी 39 में बेच रही है वही सेम प्रोडक्ट। और लास्ट वाली एजेंसी 34 में। तो ये मैंने लिखा सेल प्राइस जो है। अब पहली फैक्ट्री में कितने में बन रहे हैं, 18 में, तो पूरी रो में से 18 सब्ट्रैक्ट करा देंगे। सेकंड फैक्ट्री में कितने में बन रहे हैं, 20 में, तो -20 -20 -20 -20 एंड अगेन -20। तीसरी फैक्ट्री में 16 में, तो -16 -16 -16 -16 -16।
उसके बाद शिपिंग कॉस्ट हमें ये दे रखी है ईच फैक्ट्री टू ईच एजेंसी, वो ये टेबल से माइनस करा देंगे, -2, -6, -10, -5, यहाँ पे है -10, -8, -9, -4, -7, -5, -6, -4, -3, -8। तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट टेबल, इनको कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ सीधा। तो हमारे प्रॉफिट्स कितने आ गए, 15, 17, 12, 11, 11, इधर 5, 9, 7, 15, 7, 10, 20, 16, 15 and 14। तो ये आ गए हमारे प्रॉफिट। अब मैं अगर टोटल सप्लाई काउंट करूँ, टोटल कैपेसिटी काउंट करूँ, तो वो कितनी बनती है, 140 + 190 + 115, तो टोटल सप्लाई होगी 445 की। नीचे वाला काम रब कर रहा हूँ, और टोटल डिमांड अगर ऐड करें, टोटल डिमांड इक्वल टू 74, 94, 69, 39, 119, तो टोटल ऐड करके बन रहा है 339। तो अनबैलेंस का भी केस है इसमें। तो मैंने तुम्हें जिस ऑर्डर में सिखाया था, पहले में हमने पढ़ा था अनबैलेंस प्रॉब्लम, फिर हम पढ़े मैक्सिमाइजेशन वाला केस। तो पहले हमने अनबैलेंस को बैलेंस करना है, ठीक है। तो पहले एक बार मैं प्रॉफिट टेबल ही रिपीट लिख रहा हूँ। तो ये प्रॉफिट टेबल था हमारा, ये टेबल में क्या है, प्रॉफिट टेबल, प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम है। अब टोटल सप्लाई टोटल डिमांड भी नॉट इक्वल है, तो मैक्सिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम भी है एंड अनबैलेंस प्रॉब्लम भी है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मैक्सिमाइजेशन टाइप एंड अनबैलेंस टाइप प्रॉब्लम। तो हमें जिस ऑर्डर में पढ़े थे उसी में ही फॉलो करेंगे, पहले अनबैलेंस को करते हैं हम बैलेंस। अब क्या चीज़ कम है, डिमांड कम है, तो इस साइड वाली चीज़ कम है, तो इसी साइड पे एक ऐड होगा कॉलम, जिसकी सब डिमांड कितनी होगी, जितनी हमारी एक्स्ट्रा सप्लाई है। तो एक्स्ट्रा सप्लाई कितनी है, 445 - 395 है ये, 395, तो कितना आ जाएगा, 50। तो इधर लिख रहा हूँ एक टेबल, तो इस साइड फैक्ट्री है 123, इस साइड सेल एजेंसी है 12345, प्रॉफिट्स लिख रहा हूँ 15, 17, 12, 11, 11, 5, 9, 7, 15, 7, 10, 20, 16, 15, 14। अब हमारा सप्लाई था डिमांड था 74, 94, 69, 39, 119, इधर थी कैपेसिटी या सप्लाई 140, 190, 115, तो टोटल सप्लाई थी 445, टोटल डिमांड था 395। सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी, जिस साइड कम होगा उसी साइड एक कॉलम ऐड हो जाएगा, अगर सप्लाई कम होती तो रो ऐड होता, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अभी एक डम्मी कॉलम ऐड हो गया, इसको डम्मी लिख लेते हैं। तो डम्मी में एलिमेंट्स, प्रॉफिट तो कुछ है नहीं, तो जीरो रहेगा, और कितनी आएगी इसकी डिमांड, जितनी हमारी एक्स्ट्रा सप्लाई है, 445 - 395। अभी भी अब हमने क्या करा, एक डम्मी कॉलम ऐड करके इसको बैलेंस बना दिया, पहले क्या था अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम, तो अब है बैलेंस्ड प्रॉब्लम। लेकिन अभी भी टेबल क्या है, प्रॉफिट टेबल ही है, तो प्रॉफिट टेबल है, दैट मीन्स इट इज़ अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड बैलेंस्ड, नाउ इट इज़ बैलेंस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो बैलेंस हमने पहले स्टेप बैलेंस कर दिया, अब इसको करेंगे हम मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में चेंज। तो अभी सिखाया था मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कैसे बनाते हैं, पूरे टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास, 20, तो 20 माइनस एंटायर टेबल, तो इधर लिख रहा हूँ, सप्लाई भी लिखनी है, थोड़ा इधर शिफ्ट कर रहा हूँ,
अब 20 माइनस 15 5 आ जाएगा, तो सीधा वैल्यूज ही लिख रहा हूँ, 20 माइनस 15 5, 20 माइनस 17 3, 20 माइनस 12 8, 20 माइनस 11 9, 20 माइनस 11 9, 20 माइनस 0 20, तो लाइक दैट। ठीक है, तो सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 11 13 5 13 20 20 10 0 4 5 6, और हमारे पास कैपेसिटी या सप्लाई कितने की थी, 140 190 115, हमारे पास डिमांड कितने की थी, 74 94 69 39 119, और डम्मी पे कितने का था, 50 का। तो ये 1 2 3 4 5 एजेंसी हैं, इधर डम्मी जो एक्चुअल में नहीं था लेकिन हमें बैलेंस करने के लिए लगाना पड़ा। अब हमारी टोटल सप्लाई भी 445 और टोटल डिमांड भी 445। अब ये क्या टेबल बन गया, अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स, जो क्या है हमारी मिनिमाइजेशन एंड बैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो अब दोनों कंडीशंस ओके हैं, इसके बाद हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, बहुत सारी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा फाइंड इनिशियल सॉल्यूशन वोगल मेथड से, उसके बाद फिर ऑप्टिमेलिटी टेस्ट लगाएंगे, जब तक सॉल्यूशन नहीं आएगा सेल इवैल्यूएशन में सारे पॉजिटिव नहीं आएंगे, सेम काम रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पे ये टॉपिक ओवर करते हैं, आगे सेम काम है। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी वो पिछली क्लासेस देख के यूवी मेथड सीखें, वोगल मेथड सीखें, आगे सेम क्वेश्चन इजी है बिल्कुल। तो बस स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट था। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, आगे हम नेक्स्ट स्पेशल केस पढ़ते हैं, आज ट्रांसपोर्टेशन मॉडल हम ख़त्म करेंगे ताकि नेक्स्ट क्लासेस में जल्दी दूसरे चैप्टर भी लेके आ सकूं। नेक्स्ट फोर्थ स्पेशल केस है, नो एलोकेशन इन अ पर्टिकुलर सेल, नो एलोकेशन इन अ पर्टिकुलर सेल। तो इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं, बिल्कुल इजी पार्ट है। सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास इस साइड पे फैक्ट्री है 1 2 3, इस साइड पे स्टोर है 1 2 3, और टेबल में शिपिंग कॉस्ट गिवन है, इस साइड पे सप्लाई होगा, इस साइड पे डिमांड, कुछ भी वैल्यूज लिखी होंगी 1 2 4 2 5 7 6 8 4 - 6। तो नो एलोकेशन इन अ पर्टिकुलर सेल, या फिर इसी का नाम हो सकता है इस टॉपिक का, रिस्ट्रिक्शन इन पर्टिकुलर सेल। इस टॉपिक का मतलब क्या है हमारे पास, कि किसी पर्टिकुलर जगह पे सप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है, कि द शिपिंग फ्रॉम फैक्ट्री 3 टू स्टोर 2 इज नॉट पॉसिबल। तो किसी एक या फिर एक से ज़्यादा जगह भी दिया हो सकता है कि हमारे किसी पर्टिकुलर जगह पे सप्लाई पॉसिबल नहीं है, मे बी उसके डिवाइड कोई भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे जिस चीज़ से ट्रांसपोर्ट करना था, जैसे ट्रक से मान लेते हैं सप्लाई हो रही है, वो ट्रक ख़राब हो गया, उसका ड्राइवर बीमार हो गया, ड्राइवर छुट्टी पे चला गया, या फिर रास्ता ख़राब है, फ्लड आ रखी है, तो रीज़न डजंट मैटर। तो हमें क्या दे रखा होगा कि द शिपिंग फ्रॉम दिस फैक्ट्री टू दिस स्टोर इज़ नॉट पॉसिबल, हाइफन दे रखा होगा। अब कॉस्ट दे रखी है, हमने क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जहाँ पे हमें शिपिंग पॉसिबल नहीं है हमने पूरे क्वेश्चन में वहाँ पे एम या फिर इन्फिनिटी लिख के रखना है, और उस सेल को इग्नोर करते रहेंगे पूरे में, ना उसमें कुछ प्लस होगा ना कहीं कुछ माइनस होगा, बाकी सब सेम 4 2 5 7 6 8 4 m 6। m क्या होता है, मेजर, बहुत बड़ा वैल्यू, जिसमें कुछ मर्जी प्लस करे कुछ मर्जी माइनस करे m ही रहेगा, लेकिन हमने क्या करना है उस m को पूरे क्वेश्चन में m लिख के रखना है, ना उस पर कुछ वैल्यू आएगी ना वो किसी, कंसिडर ही नहीं करना है उस चीज़ को। अब इसका भी एक क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं, तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक कंपनी हैज़ 4 फैक्ट्रीज, अ कंपनी हैज़ 4 फैक्ट्रीज
एक कंपनी की चार फैक्ट्रीज हैं, ए बी सी एंड डी, एंड मंथली फैक्ट्री कैपेसिटीज आर, मंथली उनकी कैपेसिटी दे रखी है, मंथ में मतलब कितनी चीज़ें बनाती हैं, मंथली कैपेसिटी 200, मतलब फैक्ट्री ए की 200, देन 175, देन 150 एंड 325 रिस्पेक्टिवली, मतलब ए की 200, बी की 175, सी की 150 और डी की 325, ये हमारी कैपेसिटी दे रखी है। एंड मंथली वेयर हाउस रिक्वायरमेंट आर 110, 90, 120, 230 एंड 160 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या है हमारे पास, मंथली वेयर हाउस रिक्वायरमेंट, कि हमारे पास कितने रिक्वायरमेंट है, वेयर हाउस 1, 2, 3, 4 एंड 5, देर आर 5 वेयर हाउसेज वेयर मंथली रिक्वायरमेंट्स आर 110, 90, 120, 230, 160 यूनिट रिस्पेक्टिवली। तो हमें चार फैक्ट्री की कैपेसिटी दे दी, तीन पांच वेयर हाउसेज की डिमांड या रिक्वायरमेंट बता दी। उसके बाद द यूनिट शिपिंग कॉस्ट आर गिवन इन टेबल, तो शिपिंग कॉस्ट का टेबल हमें गिवन है, वो मैं इधर बना रहा हूँ, बहुत ईजी टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं है। तो जल्दी से ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म करते हैं ताकि मैं और चैप्टर लेके आ सकूं आपके लिए। इस साइड पे फैक्ट्री है ए बी सी डी, इस साइड पे हमारा वेयर हाउसेज है 1, 2, 3, 4, 5, 13-31-8-20-10-6-17-9-14-25-11-12-17-15-17-13-21-10। आगे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, द शिपमेंट फ्रॉम ए फैक्ट्री टू टू सेकेंड वेयर हाउस, फ्रॉम ए टू टू एंड फ्रॉम डी टू फोर इज नॉट पॉसिबल, कि पहले ए फैक्ट्री से दूसरे वेयर हाउस पे सामान नहीं जा सकता और डी फैक्ट्री से चौथे वाले स्टोर पे सामान नहीं जा सकता। फाइंड द ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन टू मिनिमाइज शिपिंग कॉस्ट, तो हमें ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाना है ताकि मिनिमम कर सकें कॉस्ट को। अब इसमें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, स्टेप वन मेक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, तो जल्दी से इसको करते हैं। चार फैक्ट्रीज है, चार रो बना रहा हूँ, कॉस्ट दे रखी है 13। अब अभी हमें समझा था कि जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है असाइनमेंट नहीं कर सक सॉरी जहाँ पे हम एलोकेशन नहीं कर सकते वहाँ पे हमने क्या लिख देना है, एम या इन्फिनिटी। तो यहाँ पे एम आ गया 31, 8, 20, 10, 6, 17, 9, 14, 25, 11, 12, 17, 15, 17, यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे भी एम लिख देंगे 13, 21, 10। इस साइड पे फैक्ट्री है ए बी सी डी, इस साइड पे वेयर हाउस है 1, 2, 3, 4, 5, इनकी मंथली कैपेसिटी दे रखी है, वो एक तरह से हमारा सप्लाई हो गया, कितनी कितनी थी 200, 175, 150, 325। तो टोटल सप्लाई ऐड करके कितना आ रहा है वो देख लेंगे, टोटल डिमांड या रिक्वायरमेंट कितना दे रखा था 110, 90, 120, 230, 160। तो इनको ऐड करके टोटल सप्लाई तो आ रही है 850 और स्लैश में डिमांड लिख रहा हूँ 710। तो मतलब एक तो दो सेल्स में हमें रिस्ट्रिक्शन दे रखा था और अनबैलेंस भी है, टोटल सप्लाई टोटल डिमांड इक्वली नहीं है यहाँ पर। तो अब कौन सी चीज़ कम है, फिर से डिमांड कम है, तो बैलेंस करने के लिए, लेकिन अभी क्या है हमारा टेबल के अंदर कॉस्ट है, तो इसका मतलब हमारा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, लेकिन टोटल सप्लाई टोटल डिमांड नॉट इक्वल, तो अनबैलेंस्ड है, तो मिनिमाइजेशन एंड अनबैलेंस्ड है।
तो इसको बैलेंस करने के लिए एक डमी कॉलम फिर से ऐड कराएंगे, क्योंकि डिमांड कम है तो एक कॉलम ऐड होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड डमी। इस साइड पे फैक्ट्री ए बी सी डी, उनकी सप्लाई 200, 175, 150, 325, टोटल ऐड करके आ जाएगा 850। यहाँ पे 110, 90, 120, 230, 160 और कितनी लिखेंगे सब डिमांड हम डम्मी कॉलम की, एक्स्ट्रा सप्लाई 850 माइनस 710 तो कितना आ गया 140। ये तो कॉस्ट ही था, सेम लिख देंगे 13, 14, 25, 10, M, 9, 11, 21 31, 17, 12, 13, 8, 6, 17, M यहाँ पे कॉस्ट है 20, 10, 15, 17 और यहाँ पे डम्मी कॉलम में सभी कॉस्ट जीरो रहेंगी। इतना करने के बाद अब हमारा ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, कॉस्ट है तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन एंड बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इसके बाद स्टेप सेम, फाइंड इनिशियल सॉल्यूशन बाय वोगल मेथड, उसके बाद ऑप्टिमेलिटी टेस्ट। तो सेम चीज़ हम रिपीट करते रहेंगे। इस एम वाले सेल को नेगलेक्ट करके चलना है, इग्नोर करके चलना है, ना इसमें कुछ ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, पूरे क्वेश्चन में इसका कुछ काम ही नहीं है, इसको छोड़ के चलना है हमने। तो अगर कुछ भी डाउट आए कमेंट में लिख दिया करिए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा जल्दी। थैंक यू फ्रेंड्स।